नमस्कार फ्रेंड, तो कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कि इसराइल का वीज़ा जो मिलने वाला था वो मिला नहीं। ऑलरेडी उधर हमने पेमेंट भी डाल दिया, उसके बाद में वो पेमेंट और डालने के लिए बोला तो हमने नहीं डाला, क्योंकि रिजल्ट हमको नहीं मिला। तो अभी क्या है कि हम लोगों ने अभी खुद वीज़ा अपना अप्लाई कर दिया, पैसा लेके पेमेंट लेके हम उधर बैठेंगे, वीज़ा निकालेंगे। ओके, पेमेंट लेके हम उधर बैठेंगे, वीज़ा निकालेंगे, उसके बाद में ही वीज़ा सबको मिलेगा। ठीक है, तो अभी जिसको जल्दी है, ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट, अभी 4-5 कैंडिडेटों को जो जल्दी है वो अपना पासपोर्ट जो लेना चाहे वो ले सकता है। ठीक है, और वेट करना चाहे वो वेट कर सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने वीज़ा डाला था लेकिन वो रिफ्यूजल आ गया, अभी वापस से दिल्ली से वीज़ा डाल दिया है। ठीक है, अभी दिल्ली से वीज़ा डाल दिया है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लो, वीज़ा सबको प्रॉपर मिलेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, और आज मैं बात करने वाला हूँ पोलैंड कंट्री के बारे में। ओके गाइस, तो पोलैंड कंट्री के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट आई है। ठीक है, तो ये इसराइल का जो अपडेट है वो मैंने आपको दे ही दिया। ठीक है, कि अभी हम लोग उधर जाएंगे, जाके बैठेंगे उधर, पेमेंट उनको लेके उधर जाएंगे, पेमेंट लेके बैठेंगे तो वीज़ा उधर से डलवाएंगे, अभी पेमेंट उनको नहीं देंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी पोलैंड कंट्री के बारे में बात करने वाला था, काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट आई है। ठीक है, काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है, जो कि पोलैंड के लिए काफ़ी इसमें कैटेगरियाँ हैं, तो वन बाई वन आपको कैटेगरी अपडेट कर देता हूँ, तो वीडियो प्रॉपर वॉच कर लो। ओके, तो ट्रक ड्राइवर चाहिए। ओके, ट्रक ड्राइवर चाहिए, इंडियन लाइसेंस वैलिड है, एंड गल्फ एक्सपीरियंस है, तो भी बहुत ही अच्छा है। ओके, सैलरी यहाँ पे लगने वाली है 800 से 1000 USD। ओके, 800 से 1000 USD सैलरी लगने वाली है, प्लस टिप्स है, प्लस OT है। एंड नेक्स्ट जो कैटेगरी है, ब्लॉक मेशन। ओके, ब्लॉक चुनाई प्लास्टर मेशन, सैलरी यहाँ पे लगने वाली है 700 USD सैलरी लगने वाली है, प्लस 700 से 900 तक सैलरी लगने वाली है, 700 USD से 900 USD तक सैलरी लगने वाली है। एंड नेक्स्ट जो कैटेगरी है, प्रोडक्शन वर्कर, इसमें भी सेम है सैलरी, 700 से 800 यूरो। ओके, 700 से 800 USD सैलरी लगने वाली है। एंड नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है, वेयर हाउस हेल्पर में जो सैलरी रहेगी 700 USD से 900 USD सैलरी लगने वाली है। एंड नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारी, सिविल हेल्पर की जो सैलरी है 650 USD से 850 USD तक सैलरी लगने वाली है। अगर एक्सपीरियंस है तो आपको सैलरी अच्छी भी मिल सकती है, फ्रेशर हो तो मिनिमम आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना भी आपको एक्सपीरियंस है सैलरी मिल जाएगा। पासपोर्ट पे कम से कम 3 साल के लिए वैलिडिटी होनी चाहिए। ओके, पासपोर्ट पे अंगूठा छाप कैंडिडेट नहीं चलेगा। ओके, उसको कम से सिग्नेचर होने चाहिए पासपोर्ट पे। इसमें अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, इंश्योरेंस, फूड सब कंपनी प्रोवाइड करेगी। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, और वीज़ा आने का जो प्रोसेसिंग टाइम है वीज़ा मिलने का, वो बाय द वे 75 डेज से 90 डेज है। ओके, 75 डेज से 90 डेज है, कोई भी पैसा एडवांस नहीं देना है, कोई भी पेमेंट एडवांस नहीं देनी है। ओके गाइस, एज लिमिट इसमें बता देता हूँ मैं आपको, 18 से लेके 50 तक जॉब अप्लाई कर सकते हो। ओके, 18 से लेके 50 तक जॉब अप्लाई कर सकते हो, एंड 8 घंटे का ड्यूटी है प्लस ओवर टाइम है। ओके, 8 घंटे का ड्यूटी है प्लस ओवर टाइम है, संडे छुट्टी है, उसको करोगे उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट जॉब अप्लाई करना चाहता है, बाई द वे मेरे को अपना डॉक्यूमेंट्स मेरे को मेल पे चाहिए। ओके, मेरे को व्हाट्सएप पे कर दो, पहले मैं चेक कर लूँगा, मेल आईडी सेंड कर दूंगा, मेल आईडी पे मेरे को व्हाट्सएप, मेल आईडी पे मेरे को डॉक्यूमेंट दे दो। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, पासपोर्ट फ्रंट एंड बैक फोटो, CV, एजुकेशन सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस और कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड। ओके, तो ये मेरे को प्रॉपर स्कैन करा के एक ही PDF फाइल में मेल करना है। ओके गाइस, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाले फ्यूचर में आप कोई वीडियो मिस नहीं करना पाएंगे।